सर मेरा नाम अली है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। गैर कानूनी तरीके से आया हो? जी, मगर मेरे साथ धोखा हुआ सर। मैंने तो एजेंट को पूरे पैसे दिए थे, न जाने उस कमबख्त ने कितने सुहाने ख्वाब दिखाए और यहाँ ला के छोड़ दिया। बस समझ गया मैं, हर दूसरा पाकिस्तानी यहाँ आके यही कहानी सुनाता है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ। यहाँ ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं है जो आपके अलावा मेरी मदद कर सके। आपकी बहुत इज्जत है यहाँ, खुदा के लिए सर मेरी मदद कर दे। सर मैं जिस होटल में काम कर रहा था वहाँ पे मेरी किसी ने मकबरी कर दी है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है सर, प्लीज मेरी मदद कर दे सर, प्लीज। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कुछ दिनों में डिपोर्ट कर देंगे तुम्हें। को अपने मुल्क जाओ, जाके वहां पे कोई काम काज करो। यहाँ वैसे भी ज्यादा दिनों तक छुप कर रह नहीं सकते तुम। सर मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मेरे माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच के मुझे यहाँ पर भेजा सर। सर बड़े ख्वाब देख रखे हैं उन्होंने, उनकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं सर। सर मुझे यही रहना है सर, आपकी यहाँ पे बहुत इज्जत है, अगर आप चाहें तो। तुम चाहते हो कि इतने सालों से कमाई हुई इज्जत तुम्हारी वजह से मैं खाक में मिला दूं, और ये लोग मेरी इज्जत इस वजह से करते हैं कि मैंने हमेशा इस मुल्क के कानून का एहतराम किया है। ये इज्जत मुझे खैरात में नहीं मिली, अपनी मेहनत से कमाई है मैंने। और तुम जैसे तो सैकड़ों हैं यहाँ पे, किस किस की मदद करूंगा मैं? देखो, हर ख्वाब की किस्मत में पूरा होना नहीं लिखा होता। तुम्हारे माँ बाप के ख्वाब पूरे नहीं भी होंगे तो वो सफर कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें इस मुल्क में कोई नुकसान हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। अभी भी वक्त है, वापस पाकिस्तान चले जाओ। डैनी भाई, मेरी तीन बहनें हैं और उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, अगर मैं उनकी जिम्मेदारी पूरी ना कर सका तो मैं वापस जाकर उनसे नजर नहीं मिला सकूंगा, और उस शर्मिंदगी में जीने से बेहतर है कि मैं यहीं पर अपनी जान दे दूं। हसीब। जी बॉस। बहुत दिनों से सभी का मिलने नहीं आई, जरा फोन तो लगाओ। बॉस बेल जा रही है, फोन रिसीव नहीं हो रहा। भाई बहनों की ढाल होते हैं। तीन बहनों का इकलौता भाई मरने की बात करे, जेब नहीं देता। हसीब। जी बॉस। इसे अपने साथ रखो, ये जब तक चाहे हमारी हिफाजत में रह सकता। बहुत शुक्रिया डैनी भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मनाल, पहले तुमने फेशियल किया, फिर मेकअप और हर चीज टेस्ट करते करते तुमने मुझे पूरा तैयार कर दिया है भाई। देखें तो कितनी हसीन लग रही है, क्यों बाबा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इतना तैयार होके क्यों घूम रहे हैं घर में, कहीं जा रहे हैं क्या? मैं नहीं जा रहा मदिया बेगम, हम जा रहे हैं दोनों साथ साथ। कहाँ? असल में सुबह थोड़ी सी बदमजगी हो गई थी, मैं भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, तो मैंने सोचा कि इसका मदावा एक ही सूरत में हो सकता है कि रात को डिनर इकट्ठे किया जाए। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है, 25 साल में तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा। तो अब भी मैंने कब सोचा है, ये तो मनाल बेटी ने सोचा है। और भाई उसने जिद की है तो मुझे मानना पड़ा, क्योंकि हमें मनाल बेटी से प्यार ही बहुत है। आपको याद भी है हम आखिरी बार कब डिनर पे गए थे?
अरे भाई अभी साजिद के बेटे के वलीमे पे हम इकट्ठे नहीं गए थे डिनर पे। कमाल साहब, अब साजिद के बेटे का बेटा भी 15 साल का हो गया है। अच्छा, इतना वक्त गुजर गया। लो बताओ, पता ही नहीं चला। ये पकड़िए और प्लीज जाइए डिनर पर टाइम से, और बाकी सब बातें वहीं पर कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखना। हैव फन। दीदी, जो आपने सामान कहा था वो मैं ले आया। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आके देखती हूँ। अच्छा। नहीं भाई, मैं कुछ दिन पाकिस्तान ही रहूंगा, घर वालों को मेरी जरूरत है तो कुछ देर यही रखूंगा। क्या बात कर रहा है यार, तेरे बगैर तो मैं बोर हो जाऊंगा। और मैं वहाँ तुम्हारे साथ रह के। माफ कर दे भाई। हाँ, समझ गया समझ गया। सबीका के भाई से डर रहा है ना? डरपोक ना। जो मर्जी तुम कहो, अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। हाँ ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। चल अब रखता हूँ, तेरी भाभी आ गई। अच्छा, दानिश सलाम दे रहा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम कह रही भाभी तेरी। चल ओके। क्या हुआ, मामा बाबा अभी भी मुझ पर गुस्सा है? नहीं तो। अच्छा, खाने के लिए किसी ने पूछा ही नहीं मुझे। ओ, भूख लगी है। दरअसल मामा और बाबा खाने पर गए और शायद उन्हें लगा था कि मैं किसी फर्मा बरदार बीवी की तरह तुम्हारे लिए खाना लगाऊंगी, पर मैं तो भूल गई। मामा बाबा साथ खाने पर गए? खुदा का शुक्र है। बाबा को ख्याल कैसे आया? शायद सुबह जो गुस्सा किया था उसका अफसोस हुआ। पता है मनाल, मामा बाबा सालों बाद इकट्ठे बाहर गए। तुम्हारे बाबा तुम्हारी मामा का ख्याल करके नहीं, बल्कि तुम्हारा ख्याल करके लेके गए उन्हें। Really? पता है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने सोचा कि नई नवेली दुल्हन है और कुछ दिन के बाद उनका बेटा उसे छोड़ के जा रहा है, तो उन्हें लगा कि अगर मैंने इनकार किया तो मुझे बुरा लग जाएगा और तुम्हें परेशानी होगी। पता है हारिस, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। प्लीज अच्छे से चैनल लगा दो ना। हाँ श्योर। मनाल भी बिन बाप की पली बच्ची है, उसके भी दिल में कितने अरमान होंगे अपने बाप को लेकर, जो उसने सोचा होगा कि उसका शौहर पूरा करेगा, अगर इस नालायक को देखे कि दूसरे ही दिन बाहर जाके बैठ जाएगा। मदिया बेगम, हमारा हारिस अब वो पहले वाला नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा नहीं रह गया, अब खैर से वो जवान हो चुका है। मैं तो डरता हूँ कि उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी बात का बुरा मना गया या गुस्से में आ गया तो कहीं पाकिस्तान आना ही ना छोड़ दे। और वैसे भी अगर उसने अपनी मर्जी से वहां किसी से शादी कर ली तो हम भला उसका क्या कर लेंगे? अरे अल्लाह, ऐसी बातें मत करे, आपने तो मेरा दिल ही बंद कर दिया। मेरा हारिस ऐसा कर ही नहीं सकता। जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत भी मत भूलो कि वो अब जवान हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम भी बस अपने जज्बात पर कभी कभी काबू रखा करो ना, जो दिल में आता है बोल देती हो। हमारा हारिस है कितना खुशनसीब, कितना ख्याल करने वाली बीवी मिली है उसे। ख्याल रखने वाली भी और मासूम और भोली भी। बस किसी किस वक्त वो नासमझी में कुछ ज्यादा बोल जाती है। खैर है, इस उम्र में बच्चे ऐसे जज्बाती होते हैं। बोलती कुछ ज्यादा है। लेकिन अपने छोटे और बड़े की तमीज है उसे। अरे भाई, बातों में लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाऊं? नहीं, मेरा पेट भर गया और अभी देखे कितना खाना पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ एक मार्केटिंग कंपनी हायर करो, ताकि तुम्हारा काम घर घर तक पहुंचे। इतनी मेहनत से तुमने डिग्री की है, कोई तो फायदा हो। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं करी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं? क्या मतलब डिग्री नहीं? अगर डिग्री नहीं है तो डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? शौक था, इंटरनेट से सीखा।
सीरियसली? पता है हारिस, जब बाबा की डेथ हुई थी ना, तो अजीब सा गुस्सा था मुझ में। वो मैं सारा गुस्सा कपड़ों पर उतारती थी। कई बार मैंने अपना यूनिफॉर्म कैंची से छोटे 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 टुकड़ों में काटा, पर वक्त के साथ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ये समझ में आया कि बाबा एक बेहतर जगह पर है और हम सबको भी वहीं जाना है। फिर? फिर क्या? जब तक मुझे समझ आई तब तक मेरी कपड़े और कैंची से बहुत दोस्ती हो चुकी थी। फिर जितने कपड़े मैंने जाया किए थे ना, उससे ज्यादा बनाने लगी थी, और जो कुछ मुझे समझ में नहीं आता था ना, मैं उसे सीख कर छोड़ती थी। पता है हारिस, मेरे डिजाइन, कट, सिलाई, कलर सब बहुत मशहूर है। मुझे खुशी है तुम हार मानने वालों में से नहीं, और मैं चाहता हूँ तुम और भी नाम कमाओ। तो पार्क से मैं भी यही चाहती हूँ। इस रेस्टोरेंट का खाना कितना मजे का था ना भाई। मैं तो अपने आप में शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आज तक मैं तुम्हें लेकर बाहर निकला क्यों नहीं, इस कदर मजा आता है। बस अब आंदा हम हर सैटरडे और संडे जाया करेंगे। वो अरे ये इतनी सारी पेंटिंग्स कहाँ से आई? ये तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। ये देखें, यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कहाँ से आ गई? कहीं मनाल ने तो। मनाल? वो मैंने आज उसको बताया था कि मेरी सारी पेंटिंग्स अब्बा जी के घर में रखी हैं, जहाँ अब भाईजन रहते हैं। तो क्या वो वहाँ गई है, तुम्हारे भाई के घर? पता नहीं, मैंने तो उसे बताया था कि अब हमारी आपस में बातचीत नहीं है, फिर वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती है। हारिस, हारिस, हारिस! बाबा इतने गुस्से में क्यों? अपने मामू के घर तुम गए थे? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो फिर ये बाहर जो पेंटिंग्स पड़ी हैं, ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने मंगवाई थी शबीर को भेजकर। क्यों? क्योंकि मामा ने बहुत प्यार से बनाई थी, मुझे लगा हर्जी क्या पेंटिंग्स मंगवाने में। मनहाल बेटा, हमारी उन लोगों से नाराजगी है, बोलचाल बंद है, तुम्हें कम से कम घर में किसी से पूछ तो लेना चाहिए था। पूछी तो इजाजत देते आप, और मैंने सिर्फ पेंटिंग्स मंगवाई हैं और सलाम भिजवाया था सर। ये तुमने गलत किया ना मनहाल। बाबा आप प्लीज परेशान हो, मैं समझाता हूँ, अनजाने में गलती हो। मैं अचानक मेरे मामू का ख्याल कहां से आया? कमाल है यार, हमारी सालों से उनसे बात नहीं हुई, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। मनाल नहीं भेजा था शब्बीर को वहां? हाँ, वो भाईजान का मैसेज भी आया है। क्या क्या मैसेज आया? वो उन्होंने हारिस की शादी की मुबारकबाद दी है और आपको सलाम कहा है। इस लड़की ने ये सारा काम कैसे कर दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो समझती थी कि भाईजान से कभी रابطہ ही नहीं हो पाएगा, मगर ये सब पेंटिंग्स आपने देखी है? वो भी क्या वक्त था। वैसे ये सारी पेंटिंग्स तुमने बनाई हैं? ये मेरी बनाई हुई है। भाई कमाल है, मुझे सारी जिंदगी पता ही नहीं चला कि मैं एक आर्टिस्ट के साथ रहता हूँ। मन्ना। हेलो। हेलो मनाल बाजी। मन्ना क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मनाल बाजी, वो आपकी अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? मनाल बाजी, वो आपकी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। मैं आती हूँ, खुदा हाफिज। अम्मी का फोन है। हेलो जी अम्मी। हो गई तैयारी हारिस के जाने की? जी बस निकल ही रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम सलाम। देखो अपना ख्याल रखना और रबते में रहना। जरूर आंटी, आप फिक्र मत करें। खैर से जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बस मास्टर साहब से ये कहिएगा कि जितने नए कपड़े हैं ना उन्हें प्रेस कर आके रख दें, शाम में चक्कर लगा दें। ठीक है, मैं कह देती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खैर खैरियत से पहुंच जा और जाकर माँ को मत भूलना। ऐसी बातें कर रही है मामा, दुआ में याद रखना। अच्छा भाई, पहुंच के फोन जरूर करना। इंशाल्लाह, खैर से जाओ। अच्छा मामा, चलता हूँ। अल्लाह, ख्याल रखना इनका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मनाल, तुम्हें मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। 10 सालों बाद भाई का मैसेज आया। तुमने ऐसा क्या कहकर भेजा था? हाँ, अरे वो तो हमसे बात ही नहीं करते थे। जानती हूँ कि वो आपसे बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन जब आपने मुझे सब बताया तो मुझे लगा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। मुझे लगा कि शायद वो आपकी तरफ से पहल का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए। मैं छोटी हूँ ना इसलिए, और वो बड़ा है। तो बचपन से ही वो ऐसा है, लेकिन सच उसका मैसेज देख के बहुत खुशी हुई। मन्ना, हेलो। हेलो मनाल बाजी। मन्ना, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मनाल बाजी, वो आपकी अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? मनाल बाजी, वो आपकी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। मैं आती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं, मुझे जाना होगा। बेटा हम भी साथ चलते हैं, मैं कमाल को बोलती हूँ पर्स लेकर आती हूँ, रुक जाओ। तुम्हें पता है मेरी बेटी बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं कहती। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है तो फिर ये क्या है? क्या है? गिरने से हल्का सा फ्रैक्चर आ गया हड्डी में, 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल रेस्ट करना होगा और टांग पर बिल्कुल जोर नहीं डालना। अपना ख्याल। हाँ भाभी, अब आपने मुकम्मल रेस्ट करना है। भाभी मनाल बहुत परेशान थी, सिर्फ जैसे ही मैंने सुना मैं इसे ले आई। कैसे फिक्र ना करती, जब मैं अम्मी के पास थी तो मैं इनका ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बहुत लापरवाह हो गई है अम्मी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है अपना। अच्छा मनाल, अब आइंदा मैं अपना ख्याल रखूंगी। और कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, कम से कम नहीं तो 4 हफ्ते आपने बेड से नहीं उठना। अम्मी किसी की नहीं सुनेंगी, इस हालत में भी काम करेंगी। मेरा ख्याल है कि आप हमारी तरफ चलें ताकि हम अच्छी तरह आपका ख्याल रख सकें। नहीं भाभी, घर पे रजिया है मेरा ख्याल रखने के लिए, और फिर सदब भी आती जाती रहती है, इतने काम कर देती है मेरे। 2-4 हफ्ते की बात है, ठीक हो जाऊंगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हमारी तरफ चलें, वक्त का पता भी नहीं चलेगा। क्यों मना? आप लोग क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा आप, अम्मी किसी की नहीं सुनती, एक बार जो जिद कर ली उस पर कायम रहती, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन अम्मी के पास रह लूं, इन्हें मेरी जरूरत होगी। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल रह लो। थैंक यू। हाय बेबी। फाइनली तुम आ रहे हो मेरे पास, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। सबीका, वो एक प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं वापस नहीं आ सकता। क्या? मैं जानती थी कि तुम फिर कोई बहाना बनाओगे। और हैरी, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि तुम्हें मेरी भी कोई परवाह नहीं है? आई विल किल यू। मर तुम्हें तुम पर कब का गया था मेरी जान, इसीलिए सारी रस्में सारी दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
बोर्डिंग करवा चुका हूँ एयरपोर्ट की कॉफी शॉप में बैठा कॉफी पी रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे खून में ना गालियों की डोज कम पड़ गई थी इसलिए डोज पूरी कर रहा था। वैसे हैरी सच में बहुत बुरे हो तुम। सैवी घर से फोन आ रहा है, आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। जी मामा जी। हाँ हारिस बेटा वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मामा? बेटा मनाल की वालदा सीढ़ियों से गिर गई है। ओह माय गॉड व्हाट? बेटा क्या ये मुमकिन है कि तुम उनसे मिलकर चले जाओ? मामा ये क्या कह रही हैं आप? फ्लाइट उड़ने में एक घंटा रह गया, मैं तो बोर्डिंग भी करवा चुका हूँ। मामा आप और बाबा है ना, उन्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। और मामा मनाल अगर उनके पास जाके रहना चाहे मना मत कीजिएगा, आप तो जानती हैं मनाल की जान उसकी अम्मी में। हाँ बेटा हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे लेकिन तुम्हारी कमी तो नहीं पूरी कर सकते ना। खैर एनीवेज तुम खैर खैरियत से जाओ, जाकर अपनी इत्तला दे देना। मामा मेरी जरा मनाल से बात करवाइएगा। बेटा वो अभी रूम में अपनी अम्मी के पास है तो मैं अंदर जाके उसे बता देती हूँ तो वो अपनी फोन करके बात कर लेगी। ठीक है मामा मैं पहुँच कर कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा ओके अल्लाह हाफिज। वैसे मदीहा ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मनाल को उनके साथ जाने दिया। भाई मैं तो ये चाह रही थी कि कुबरा भाभी भी हमारे साथ चलती लेकिन मैंने फील किया कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं इसलिए मैंने जोर भी नहीं दिया। अरे हाँ ये बताओ हारिस से बात हो गई थी क्या? हाँ हारिस से बात हुई है, मैंने उसे बताया है, फिक्र कर रहा था वो। वैसे उसका फिक्रमंद होना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मनाल ने कुछ ही दिनों में उसका दिल जीत लिया है। हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक दूसरे को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हम दोनों को तो एक दूसरे को समझने में वक्त नहीं लगा लेकिन कुबरा भाभी थोड़ी परेशान लग रही थी, शायद उन्हें हारिस का यूं अचानक चले जाना अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं उनके जज्बात समझ सकती हूँ, उनके भी दिल में हजार अंदेशे और वसवसे आ रहे होंगे। भाई जाहिर है बेटी की माँ है फिक्रमंद तो होना ही है उसे। अच्छा सुने आप ऐसा कीजिएगा कि वक्तन फवक्तन उनके यहाँ चक्कर लगा लिया कीजिएगा। अरे बेगम साहबा जो आपका हुक्म हो, हम तो पहले भी आपके इशारे के मुंतजर रहते हैं और अब भी अब पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी से आपके इशारों पर नाचते, मेरा मतलब है कि काम करते रहेंगे चलते रहेंगे। तुम्हें देखकर ऐसे जान में जान आई है जैसे तुम मेरे हस्बैंड नहीं मेरी ऑक्सीजन हो। वैसे काफी कमजोर हो गए हो तुम। हाँ वो तुम्हारे ज़हन में भागता जो रहा हूँ, कमजोर तो होना ही था ना। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए हो, हम बैठेंगे बातें करेंगे फिर बताऊंगी ना। हैव अ पॉइंट। ओके अच्छा अब तुम्हारी मामा कैसी हैं? हाँ मामा मामा बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। चलो अच्छा है, अब तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। क्या जरूरत थी हैरी बताने की कि मामा ठीक हो गई? क्या बात है, मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, वैसी तो बात ही नहीं है, मैं सबीका को बुला कर लाता हूँ। रहने दो, मैंने खुद भेजा है। कहाँ? तुम जानते हो ना कि मैं सबीका से कितना प्यार करता हूँ, उसके सामने मैं तुमसे बात करके उसे दुखी नहीं करना चाहता था। सबीका ने मुझे बताया था कि इमिग्रेशन ऑफिस से लेटर आया। मैंने अगले महीने की 25 तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू रखवा दिया। सीरियसली? कैसे? ये कैसा सवाल है?
अपनी बहन की खुशी की खातिर मैंने ये सब कुछ किया। जी, मैं जानता हूं। ये काम तो पहले भी हो सकता था, मगर मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था। और सच तो ये है कि मुझे अब भी तुम पे ट्रस्ट नहीं है। देखो, अगर मुझे तुम पे हल्का सा भी शक हुआ कि तुम मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। चीटिंग भाई, कौन नहीं जानता। गुड। तो हां, मैंने तुम्हारी प्रमोशन भी कर दी। रियली? डैनी भाई, आई डोंट बिलीव दिस। इतनी सारी खुशखबरियां सुबीका सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसे मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, इसे यहां की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। और हां, हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिस वाले तुम पे नजर रखें और ये वेरीफाई करने की कोशिश करें कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो भी कि नहीं। मतलब हमारी कोई जासूसी भी कर सकता है? हो सकता है। इसलिए तुम्हें अब हर वक्त सबीका के साथ ही रहना। जी डैनी भाई, मैं समझ गया। मैं डैनी भाई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी तरफ से अगर उसे कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं डैनी भाई, कभी भी नहीं। मैं सबीका को तकलीफ दे ही नहीं सकता ना, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। ये मेरा आपसे वादा है, आपको मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। बिलीव मी डैनी भाई, कभी नहीं। ये सब कुछ मनाल से शादी के बाद हुआ है। इससे पहले तुम कितनी कोशिश कर रहे थे, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। तो बेटा, अपनी बीवी का ख्याल रखना, एहसास करो उसका। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मनाल से बात हुई? बेटा, उसकी अम्मी के पांव में प्लास्टर हुआ है, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। ये ले गरम गरम रोटी, मैंने खुद आपके लिए बनाई है। अल्लाह, ये कैसी रोटी बनाई है मनाल, तुम्हें शर्म नहीं आई? इससे बेहतर मैं चावल खा लूं। अम्मी ज्यादा हिलजुल मत करें, मान लिया कि अच्छा खाना नहीं बनाना आता, कम से कम आपको अपने हाथों से खिला तो सकती हूँ ना। आराम से बैठे वरना तकलीफ होगी आपको। बैठे बिठाए क्या मुसीबत पड़ गई है मुझे। अम्मी, अब जो होना था वो हो गया। हारिस के बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम किसी बड़ी आफत से बच गए। जरा सोचे, अगर यही चोट आपके सर पर लग जाती फिर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वक्त वहाँ कैसा गुजर रहा है? ठीक है। तुम खुश हो ना? कमाल है अम्मी, मेरी शादी आपने अपनी खुशी के लिए की और अब आपको मेरी खुशी की फिक्र होगी। आप परेशान ना हो, सब ठीक है और मैं भी बहुत खुश हूँ। अंकल और आंटी भी बहुत अच्छे। खुदा तुम्हारी नसीब अच्छे करे। तुम्हें पता है, अगर बीवी की किस्मत अच्छी हो ना तो शोहर के भी नसीब खुल जाते हैं, उसके काम और रिस्क में बरकत पड़ती है। खाना तो खाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। रजीत, जब मुझे पता चला मैं तो परेशान हो गया था। मास्टर जी प्लीज बैठिए, खाना खाइए। अरे नहीं बेटा, मैंने खाना नहीं खाना, मैं तो सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया। अच्छा ये बताओ बेटा कि हमने काम कब से शुरू करना? मास्टर जी जितना जल्दी हो सके, बहुत ज्यादा काम है और कारीगर भी हमें और चाहिए होंगे। मेरे ख्याल में तो बेटा हमें चंद दिन और रुक जाना चाहिए। अगर हम काम में लग गए तो फिर आपकी अम्मी की देखभाल कौन करेगा? आपको क्या लग रहा है मास्टर जी कि मैं अम्मी को अकेले छोड़ दूंगी? अम्मी भी हमारे साथ काम कराएंगी, पहली दफा तो टिक कर बैठी हैं, क्यों ना फायदा उठाया जाए इनसे। मैं क्या करूंगी? चाहे आप सुई में धागा डालने का काम करें, लेकिन आप मेरी नजरों के सामने रहें। और अगर मैं वाकई खुश नसीब हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि मेरी अम्मी मुझसे खुश रहे, खुद को खुशकिस्मत समझे। रही बात शौहर की तो अपनी किस्मत खुद बना। खाना खाइए।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खैर खैरियत से पहुंच गए हो? जी मामा। मामा एक गुड न्यूज है। अच्छा क्या? मामा मेरी प्रमोशन हो गई है, और आपको पता है इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से मुझे इंटरव्यू की डेट भी मिल गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और अब तो तुम शायद मनाल को भी बहुत जल्द बुला लोगे अपने पास। अरे नहीं मामा, कैसी बात कर रही है? अगर मनाल यहाँ पर आ गई तो आप तो बहुत अकेली हो जाएंगी, है ना? और अगर तुम ना आए ना तो वो अकेली हो जाएगी। बेटा हमारी फिक्र मत करो, हम रह लेंगे। एक तो मामा आपकी समझ नहीं आती, पहले आपको घर पे बहू चाहिए थी और अब। अरे बेटा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, एक बात मेरी गौर से सुनो। तुम्हारी प्रमोशन हुई माशाल्लाह, तुम्हें कामयाबियां मिल रही हैं। ये सब कुछ मनाल से शादी के बाद हुआ है। इससे पहले तुम कितनी कोशिश कर रहे थे, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। तो बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखना, एहसास करो उसका। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मनाल से बात हुई? बेटा उसकी अम्मी के पांव में प्लास्टर हुआ है, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। तुमने फोन किया उन्हें? नहीं मामा, बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभी कॉल करता हूँ उनको, तबीयत भी पूछ लेता हूँ और खुशखबरी भी सुना दूंगा। हारिस तुम भी कमाल करते हो बेटा। अरे तुम फोन करके पूछ तो लेते। बेटा हम चाहे उनका कितना भी ख्याल करें, लेकिन तुम्हारी बात और है, तुम्हारी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। बेटा तुम्हारा रابطہ रखने से उनको तसल्ली होगी, और अपनी बीवी को कभी तकलीफ मत देना। तो जनाब कैसा लग रहा है ऑफिस में पहला दिन, वो भी बॉस बनकर? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरे कमाल है, इस लड़के को जब भी समझाने लोगों भाग जाता है। आप मामा से बात कर रहे थे? हाँ। तुम उन्हें हमारे बारे में कब बताओगे? आई मीन तुम कोई बच्चे नहीं हो, और हर इंसान का ये हक है वो जैसे चाहे जिसके साथ चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, और किसी को इससे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को। पाकिस्तान में बच्चा माँ बाप के लिए कभी बड़ा नहीं होता, कभी नहीं। वक्त के साथ साथ उनकी नजर में समझदार जरूर हो जाता और जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, वो भी अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी नहीं चलती। इसका मतलब तुम्हें अपने पेरेंट्स मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। अच्छा बाबा आज के दिन तो मत नाराज हो। आइडिया, लंच पे चले। कौन सा भी, स्माइल फॉर मी प्लीज। Let's go. By the way, तुम स्माइल करती थी बहुत अच्छी लगती। चले। चलो। दुआ मांगो बेटा। मुबारक हो मनाल बेटी, खुदा ने तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। पहले तो मैं सिर्फ अपने लिए कामयाब होना चाहती थी, मगर अब मैं हारिस की उम्मीदों पर भी पूरा उतरना चाहती हूँ। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए जब हम दोनों अपने अपने ख्वाब पूरे कर कामयाब इंसानों की तरह एक दूसरे के सामने बैठे और हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहें। वो रेस्टोरेंट के बाथरूम गई हुई है, इसीलिए तो इतने सुकून से बात कर रहा हूँ तेरे से। वैसे तुमने बहुत बड़ा मारका मारा यार, सीधे कंपनी के बॉस ही बन गए। क्या बॉस है? लगता है कंपनी का बॉस तो मैं सिर्फ नाम का हूँ, असल नौकरी तो मुझे सभी का भी करनी पड़ रही है। बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं। बेटे इस मुल्क का दामाद बनने का शौक हो ना तो यहाँ की लड़कियों के नखरे उठाने पड़ते हैं। और सुबीका का केस तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो नखरे तो करती नहीं है, वो करती है ऑर्डर। ज्यादा दांत मत निकाल, दांत तोड़ दूंगा तेरे। और बात सुन, घर चक्कर लगाता रही। और एक काम और करना, मेरी तरफ से मनाल को गिफ्ट दे दी मेरा नाम लिखकर। क्यों, मैं क्यों? तू दे आना उसे किसी बहाने से, मनाल को लगेगा मैं उसे भूला नहीं हूं। तुमने मनाल भाभी से बात भी नहीं की क्या? नहीं यार दानिश, मौका ही नहीं मिला। सबीका को तो मेरे बगैर सांस तक नहीं लेना आता यार, मैं क्या करूं? चला मैं रखता हूं, निकला योगी बात होगी। ओके टेक केयर, बाय बाय।
मास्टर साहब अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, अब हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, इतनी मेहनत कि इस बार हमारे नाम से फैशन शो हो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है मुन्ने, वो तो हमारे कपड़ों पर कोई और अपने नाम का टैग लगाकर बेच देता है, मेहनत हम करते हैं पैसे कोई और कमाता है। मनाल बाजी, आपकी शादी के बाद हमने बहुत से ड्रेसेस तैयार किए हैं, अब आगे आप हुक्म करें क्या करना है। शहर के सबसे अच्छे फोटोग्राफर को बुलाओ, इस बार हम अपनी कलेक्शन किसी और ही लेवल पर दिखाएंगे। अब मास्टर जी आप जाकर कारीगरों को सारा काम समझा दीजिए। जी बेहतर, चलो मुन्ना। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान है? मनाल हारिस का फोन आया। कर लेगा अम्मी, बिजी होगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? करना तो चाहिए था ना उसे, तुम नई नवेली दुल्हन हो, राबता तो करता। मुझे इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं हारिस को बार बार फोन करूं और पूछूं तुम कहाँ हो, खाना खाया कि नहीं, ठीक तो हो, मुझसे ये सब नहीं होता। तुमसे तो बात करके मेरी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ जाती है। तो मत करें बाप, यहाँ आराम से बैठे, मैं जाकर कारीगरों को देख कर आती हूँ क्या कर रहे हैं। और यकीन करें अम्मी, आपका दिमाग जहाँ भी होगा ना बिल्कुल ठीक होगा, फिक्र ऐसे ही करती हैं आप। बात हुई है उससे? नहीं, फोन किया था अब उठाया नहीं, मसरूफ होगा। फिटे मुँह, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि बीवी के लिए वक्त ही नहीं है? तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे जो वो नाराज हो गया? अम्मी मैंने क्या कहना है? सच सच बताओ, आपको हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता है? शक नहीं कर रही, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह से, तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो, जो सोच रही होती हो महसूस कर रही होती हो मुंह पे सच सच बोल देती हो, और मर्द को औरत के मुंह से सच कई दफा अच्छा नहीं लगता। क्यों, ऐसी क्या मौत पड़ जाती है उनको? देखो बेटा, मर्द जिस औरत को अपनी इज्जत बनाता है ना, अगर उसी औरत की इज्जत या रुतबा सोसाइटी में उससे ज्यादा बढ़ जाए ना, तो मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए तुम जो भी करो उसकी मर्जी और इजाजत से किया करो, ठीक है? हारिस बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बाकी सब मर्दों से बहुत अलग है। बेटा सब मर्द एक जैसे होते हैं, औरत तो मर्द की बीवी चंद सालों के लिए रहती है ना, बाद में तो उसके बच्चों की माँ बन जाती है, वक्त के साथ साथ मिजाज और जरूरतें बदल जाती हैं। हारिस का फोन आ रहा है, मैंने आपसे कहा था ना हारिस बहुत अच्छा है, शुक्र है आपके लेक्चर से बचा लिया, बात करके आती हूँ। मनाल तुमने तो बहुत बड़ी वर्कशॉप बना ली है, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आपके सारे कपड़े तैयार हैं, आप ले जा सकती हैं। और मुझे पता चला है कि तुमने शादी भी कर ली। एक तो तुम ना, जब से इस पोजीशन पे आए हो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता मेरे लिए, इससे तो बेहतर है कि तुम ये सब छोड़ दो। तुम जानती हो निकी कौन है? जरा गूगल करो। मेरा तो ख्याल था कि तुम निकी का नाम सुनते ही खुशी से बेहोश हो जाओगी। इतनी बड़ी डिजाइनर है क्या? आओ सदफ। ये क्या हुआ सदफ, किसने किया है ये? अरसलान ने।